सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, जब मनुष्य के हाथ से परिस्थितियाँ बाहर निकल जाती हैं तो भगवान अवतार लेते रहते हैं, और परिस्थितियाँ जो मनुष्य नहीं संभाल पाया था उसको भगवान संभाल देते हैं। आज का समय ठीक ऐसा ही है, पहले इससे पहले भी अवतार होते रहे हैं। कभी सब अवतारों का जिक्र आता है, कहीं दस अवतारों का आता है, एक निष्कलंक भगवान का अवतार आता है। बस वो ठीक बिल्कुल वही समय आ गया जिससे अंतिम अवतार होने वाला है, आगे के लिए फिर अवतारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आदिशक्ति महाप्रज्ञा का अवतार होने वाला है, निष्कलंक किसी को कहते हैं। कलंक बाकी सबको लगे हुए, रामचंद्र जी पे कलंक लगा हुआ है, बीवी को घर से निकाल दिया, कृष्णचंद जी पे कलंक लगा हुआ है, कोई ऐसा बचा नहीं इसमें कलंक नहीं लगा गया हो। निष्कलंक केवल प्रज्ञा है, आदिशक्ति यही है महाप्रज्ञा, जिसका कि इस समय अवतार हो रहा है। ये नवयुग जो आपके सामने अभी अभी चला आ रहा है, ये प्रज्ञा युग है। गायत्री के तीन चरण हैं, त्रिपदा कहते हैं इसको, सरस्वती लक्ष्मी काली, ये तीनों इसी के भीतर आ जाती हैं। तीन तीन एक एक अक्षर में समाई हुई है। देवता में तीन, एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, एक का नाम महेश, ये तीनों इसी के तीन चरण हैं, ओजस तेजस वर्चस्व। ये तीन शक्तियाँ संसार में हैं, वो तीनों की तीनों शक्तियाँ इसी से संबंधित हैं, गायत्री से। ये बड़ा शानदार मंत्र है, बड़ा बड़ी अमोघ शक्ति है, जिसका कि अब जिसकी उपासना करने का हमको और आपको मौका मिल रहा है। आस्था ठर संकट संकटास्वर वृत्ता से बहुत से असर हुए। एक अनास्था संकट, इस पर विश्वास नहीं किसी को, न भगवान पर विश्वास, न अपने कर्तव्य पर विश्वास, न परलोक पर विश्वास, न अपने ईमान पर विश्वास, न किसी पर विश्वास नहीं है। ऐसा अनास्था संकट ये एक दैत्य आज के जमाने का पैदा हुआ है, इसको दूर करने के लिए प्रज्ञा के अवतार की जरूरत थी, वो ठीक समय पर ठीक होने जा रही है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, परंपरा है इसकी, हमेशा कुछ करना पड़ा है, लोगों को स्वयं ही अवतार नहीं लेते। जब त्रेता में ऋषियों ने अपना रक्त एक घड़े में भरा था और उसको जमीन में गाड़ दिया था, तब राजा जनक ने खेत जोतते समय उस घड़े में से निकाला था, सीता जी निकल के आई थी, आपको याद है। एक बार देवता बहुत दुखी हो गए थे, बहुत पराजित हो गए थे, दैत्यों ने उनको मार के भगा दिया था। फिर उन्होंने क्या काम किया, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके मैं एक देवी बना देता हूँ। सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने दुर्गा का नया अवतार दिया था। ये पुराने जमाने की बात है, आज ही वही करना पड़ेगा। हम और आप सब मिल के इस काम को करेंगे, अकेले हम कर लेते हैं तो आपसे यह नहीं कहते। ये सबके मिलने करने का काम है, मिलजुल के करने का काम है। इसलिए आह्वान आपको भी किया है, हम तो जो हमसे बन रहा है वो हम कर ही रहे हैं, पर आपको भी कुछ करना चाहिए। ये समय ठीक इसी तरह का है, इसमें आपको त्रिपदा गायत्री के तीन उपासनाओं में कर्मयोग भक्ति योग, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों की उपासना का सम्मिश्रण के नाम से प्रज्ञा योग नाम करके इस समय हमारे मिशन ने आपके सामने रखा है। लाखों आदमी इसी योग में लगे हुए हैं, आप अब तक लगे न हो इस कार्य में तो आप तुरंत ही बिना एक दिन का भी समय गवाए प्रज्ञा योग की उपासना शुरू कर दीजिए। आजकल हमने प्रज्ञा योग का प्रज्ञा अभियान चलाया है, प्रज्ञा योग चला रहा है, प्रज्ञा का अवतार हो रहा है, तो प्रज्ञा योग ये यही करने का है। आप सबको ये करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, इसका पहला योग पहला चरण ज्ञान योग से शुरू होता है। सवेरे और सायंकाल दोनों वक्तों में से जब भी आप निकल के उठे हैं, सब बिस्तर पर करने के हैं दो योग। एक तो ये करने का योग है कि सवेरे जब आप सोकर के उठा करें तब ये ध्यान किया कीजिए, आज हमारा नया जन्म हुआ है। इसीलिए जैसा जन्म भगवान की कलाकृति का जन्म, भगवान का सर्वोत्तम उपहार का जन्म, आपको इसी तरीके से आज इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। इसलिए सवेरे उठते ही आप खोलते ही चारपाई पर से नीचे पैर रखने से पहले आप प्रज्ञा योग की ये साधना किया कीजिए, नया जन्म आज का नया जन्म
इसकी स्कीम बनाइए, योजना बनाइए, आपको ऐसा शानदार जन्म मिला है तो आप किस तरीके से खर्च करेंगे। सवेरे से लेकर के सायंकाल तक की पूरी स्कीम बना डालिए प्रातःकाल, इसके बाद उठिए, जमीन पाँव पीछे रखिए, पहले इस नए जन्म के लिए वाले वाले